फ्रेंड्स, मैं योगिता आप सभी का अपने चैनल योगितास किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रेसिपी लाए हैं वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी है। तो क्रिस्पी कॉर्न की इस रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और पसंद आने पर मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं क्रिस्पी कॉर्न। तो क्रिस्पी कॉर्न बनाने के लिए हमने इस कप से 2 कप कॉर्न लिए हैं। अब हम कॉर्न को बॉईल होने के लिए रखेंगे। इसके लिए फ्लेम पे हमने पहले ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक बर्तन में पानी भी गर्म हो चुका है, तो ये देखिए पानी में बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे और कॉर्न को मीडियम आंच पे हम 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कॉर्न भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम स्ट्रेनर की सहायता से इसे एक प्लेट में नैपकिन के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है नैपकिन एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से हम निकाल लेते हैं इसे प्लेट में। ये देखिए हमने सारे कॉर्न को निकाल लिया है और अब हम इसे इस तरह से नैपकिन से रब कर लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये देखिए इसका एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। अब हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे यानी काली मिर्च। 1/4 चम्मच हम नमक डाल देंगे। अब हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। इससे हमारे कॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए हमने कॉर्न डाल दिया है इसमें, कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर। अब हम इसे अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्न पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। ये देखिए इस तरह से कोट कर लिया है हमने। अभी हमें इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और ऐड कर लेंगे। हम इसमें 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च और डाल लेते हैं और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से कोट हो चुका है। मैं इसे आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से कोट हो चुका है हमारे कॉर्न पे। सारे कॉर्न बहुत अच्छे से एकदम कोटिंग हो गए हैं। अब हम इसे चलते हैं तलने के प्रोसेस की तरफ। इसके लिए फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमने ऑयल को मीडियम आंच पे गर्म कर लिया है और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कॉर्न डाल करके इस तरह से तल लेंगे। मीडियम आंच पे हम मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए तल लेते हैं हम। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए हम तल लेंगे कॉर्न को। सावधानी से तल लेंगे हम कॉर्न को। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और कॉर्न पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्प हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरह से प्लेट पे टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। सभी कॉर्न को निकाल लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए हमने सभी कॉर्न को इस तरह से निकाल लिया है और बचे हुए कॉर्न को भी हम इसी प्रोसेस से तल लेंगे। ये देखिए हमने कॉर्न को इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है सभी को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमने फ्लेम पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने तक के लिए हम भून लेंगे। 2 से 3 कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल देंगे। 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सब्जी को ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें हल्की सी सॉफ्ट ही करना है। अब हम डाल देते हैं इसमें 1/2 चम्मच नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर डाल देते हैं। चला लेते हैं सभी चीज़ों को, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच विनेगर। विनेगर अगर नहीं हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें हमने जो कॉर्न फ्राई किए थे वो कॉर्न ऐड कर देते हैं इसमें हम इस तरह से और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी कॉर्न बनकर के तैयार है। हमें इसे ज़्यादा चलाना भी नहीं है, मतलब ज़्यादा भूंजना नहीं है हमें इसे, बस 2 से 3 मिनट तक ही हम इसे चलाएंगे और सर्व कर लेंगे प्लेट में। ये देखिए अब इसमें डाल देते हैं हम धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ और मिक्स कर देते हैं हम इसे। ये देखिए सर्व करने के लिए तैयार है हमारे क्रिस्पी कॉर्न। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा क्रिस्पी कॉर्न तैयार है। अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। अगर आपको मेरे क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।